हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर में। कंप्यूटर सिस्टम में हम सभी के कंप्यूटर सिस्टम में एक चीज की हमेशा समस्या बनी रहती है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में से कहीं डेटा चोरी ना हो जाए, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों समस्या बनी रहती है। ऑनलाइन के लिए हम लोग स्ट्रांग पासवर्ड को चूज कर लेते हैं या तरह तरह के हम लोग पासवर्ड को लगा लेते हैं या सिक्योरिटी को बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम चोरी हो जाता है या कोई आपके ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइव को निकाल के लेके चला जाता है और लगा करके यूज कर सकता है, तो आपकी सिक्योरिटी नहीं बची रह जाती है और आपका डेटा को आसानी से चुराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइव को इनक्रिप्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिटलॉकर की। बिटलॉकर क्या होता है? विंडोज ऑपरेटिंग, ये विंडोज मैक और सभी के अंदर फीचर दिए हुए हैं। विंडोज के अंदर बिटलॉकर के नाम से जाना जाता है। तो बिटलॉकर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइव को इनक्रिप्ट करने का ऑप्शन देता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे बिटलॉकर को लगाते हैं और हटाते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में आज हम कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइव के अंदर बिटलॉकर को लगाएंगे। मैं एक बार कंप्यूटर को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमारे पास तीन ड्राइव है और तीनों ड्राइव में किसी पर भी ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं पहले ही एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम के सी ड्राइव में बिटलॉकर अभी ना लगाएं, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर सभी जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कुछ इंस्टॉल रहता है वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है, इसलिए सी ड्राइव के अंदर अभी ना लगाएं। हम आगे सी ड्राइव के अंदर बताएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के सी ड्राइव के अंदर कैसे ड्राइव बिटलॉकर लगाएंगे। सबसे पहले मैं अपने ई ड्राइव को पकड़ लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से टर्न ऑन बिटलॉकर का ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा आप कहाँ कहाँ से और बिटलॉकर को लगा सकते हैं, मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ और हम चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। स्टार्ट बटन पे आ गए, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से कैटेगरी में जाइएगा और इसको लार्ज आइकन कर लीजिए। यहाँ पे एकदम साफ साफ मिल जाएगा बिटलॉकर ड्राइव डिस्क्रिप्शन। कुछ सिस्टम में थोड़ा सा आगे पीछे दिया हो सकता है, इसको लेकर के ना घबराएं। अब हम क्या काम करते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें जिसमें भी बिटलॉकर लगाना है डायरेक्ट, देखिए हमारे पास तीनों का ऑप्शन दे दिया, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो हमें ई ड्राइव में लगाना है। हम यहाँ टर्न ऑन बिटलॉकर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए दे रहा है चूज हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव। क्लिक करेंगे, ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड शुड कंटेन अपर एंड लोअर केस नंबर स्पेस एंड सिंबल्स। पासवर्ड आपको थोड़ा सा स्ट्रांग लगाना है, नहीं तो कुछ जो कंप्यूटर सिस्टम के एक्सपर्ट होते हैं वो आपके पासवर्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं, इसलिए आप कुछ यूनिक पासवर्ड को लगाएं। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखिए दे रहा है हाउ डू यू वांट टू स्टोर योर रिकवरी की। जब भी हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, अच्छी ध्यान रखिए, हम लोग नॉर्मल बात करते हैं अगर ताला लगाते हैं तो चाबी हमारे पास रहता है, दो चाबी मिलती है, एक चाबी अपने पास एक चाबी कहीं और रखी रहती है। सेम उसी प्रकार से पहले तो हम पासवर्ड लगाए और पासवर्ड को याद रखना है या कहीं लिख के रख लेना है। दूसरी चीज़, जब हम लोग पासवर्ड लगाते हैं यहाँ पे की जनरेट होता है, तो सेव द रिकवरी की टू यूएसबी फ्लैश ड्राइव या रिकवरी की को आप इसी सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो है यूएसबी के अंदर इस पासवर्ड को सेव कर लेते हैं, नहीं दे रहा है इसके, मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको किसी एक जगह सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको यस कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे स्टार्ट इनक्रिप्टिंग दे रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा देर तक प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम क्या काम कर देते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ रेड शो करने लगा, रेड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जैसे ही ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इनक्रिप्शन, ये रेड हट जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या काम करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा हमने कहा कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और बिटलॉकर लग जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये बिटलॉकर लग चुका है। अब इसको ओपन करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
आपको पासवर्ड मांगेगा। अब जो भी पासवर्ड मैंने दिया हुआ है उस पासवर्ड पे आप पे एंटर करेंगे और अनलॉक वाले पे क्लिक करेंगे। और हमारा ड्राइव ओपन हो जाएगा। अभी भी ये रेड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो इंक्रिप्शन प्रोबात आती है बिटलॉकर हटाने की, तो बिटलॉकर जब भी हटाना हो तो आप इसी पर राइट क्लिक करेंगे तो मैनेज बिटलॉकर का ऑप्शन देगा। अब यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या आप उसको हटा भी सकते हैं, रिमूव पासवर्ड फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ से ऐसे नहीं करना होगा, हमें जो है वो बिटलॉकर को हटाना होगा। इसके लिए हम चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे टर्न ऑफ बिटलॉकर पे जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिक्रिप्ट कर देंगे। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और यहाँ एक प्रोसेस चल रहा है, यही जैसे ही 100% होगा ये रेट ख़त्म हो जाएगा और हमारा बिटलॉकर